स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हाँ, आप सबको पता है कि कुछ दिनों पहले दीप सिंधु हम सबको छोड़कर चले गए। दीप सिंधु का एक्सीडेंट के दौरान उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ उस समय उनकी गर्लफ्रेंड रीना रॉय उनके साथ ही थी। रीना रॉय का रो रो कर बुरा हाल हो गया है क्योंकि उनके होने वाले हस्बैंड यानी कि दीप सिद्धू अब इस दुनिया में नहीं है। आप सबको पता है कि दीप सिद्धू एक पंजाबी एक्टर है और काफी प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, इस वजह से वो बहुत चर्चा में भी आए थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड रीना रॉय के बारे में। तो आपको बता दें कि रीना रॉय ने एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि कैसे वो अपने सोलमेट के जाने से दुखी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखती हैं कि मैं टूट गई हूँ, अंदर से मर चुकी हूँ, प्लीज तुम अपने सोलमेट के पास आज वापस आ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे किसी भी जीवन में छोड़कर नहीं जाओगे। आई लव यू मेरी जान, मेरे सोल, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। आज जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी तो मैंने सुना कि तुमने मेरे कानों में धीरे से आई लव यू मेरी जान बोला। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, हम एक साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे और अब तुम चले गए। सोलमेट्स कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। जी हाँ, ये बात जो है रीना रॉय ने बताई। रीना रॉय अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, अपने मंगेतर से मिलने के लिए 13 तारीख को अमेरिका से आई थी। किसे पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात बन जाएगी और इसके बाद दीप सिद्धू इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। जी हाँ, फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है। हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।